लोग जो टीआरसी लेना चाहते हैं और एजेंट के झांसे से बचना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा तो टर्की बहुत ईजी है इस वक्त जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। महीने के बाद जब अगला महीना शुरू होगा तो ये जो क्वारंटीन की एक शर्त है, कंडीशन है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वरीशा जुल्फिकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टर्की क्वारंटीन के हवाले से मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब से ये क्वारंटीन की कंडीशन टर्की गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई है, तमाम ही पाकिस्तानी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान उन 8 कंट्रीज की लिस्ट में आता है जिसको टर्की ने पाबंद किया है कि अगर इन ममालिक के शहरी टर्की आएंगे तो उन्हें 14 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर उनको अलाउ होगा कि वो टर्की में घूम फिर सकते हैं या जो भी काम वो करने के लिए आए हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। अब मसला यह है कि जो लोग टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं वो 12 दिन का वीजा अप्लाई करते हैं, 15 दिन का वीजा अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीजा अब एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि अब जो फ्लाइट्स हैं वो भी कैंसिल होती जा रही हैं ऑपरेशनल रीजन पर, के पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनको जाने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अब जिनका 12 दिन का या 15 दिन का वीजा था उनके लिए तो साफ साफ ये कह दिया गया है कि आपको अगर टर्की जाना है तो फिर आपको दोबारा से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो वीजा अप्लाई करना पड़ेगा अब वो 30 डेज का वीजा आपको देंगे, जिसमें 14 डेज क्वारंटीन के होंगे और 14 डेज आप घूम फिर सकते हैं या जो भी काम आप वहां पर करने के लिए जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला है और एक्सपायर होने से पहले पहले वो टर्की घूमना चाहते थे, अब वो क्या करें, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास 14 दिन से ज्यादा का टाइम है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप वाया ईरान या वाया इजिप्ट जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास मोर देन 14 डेज का टाइम होना चाहिए, क्योंकि टर्की गवर्नमेंट की जानिब से जो लेटर आया है वो लेटर भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि वो 8 कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, ये वो ममालिक हैं जिनके शहरी अगर टर्की जाते हैं तो उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज है जो आपके काम आ सकती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में देखा था, एक साहब ये रास्ता बता रहे थे कि आप इस तरह से टर्की जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगा, लेकिन अभी मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो लेटर इशू हुआ है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है कि 14 दिन से पहले पहले आपने अगर इन ममालिक में ट्रेवल किया है, यानी कि टर्की ट्रेवल करने से पहले जो 14 दिन है अगर आप इन ममालिक से किसी मुल्क में हैं तो फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब इसका हल ये है कि अगर आपका वीजा 12 दिन का या 15 दिन का है और उसकी अभी मियाद है वो एक्सपायर नहीं हो रहा, या तो आप 1 जुलाई तक वेट कर लें, क्योंकि मेरे पास ऐसी इत्तलात हैं कि हो सकता है कि 1 जुलाई के बाद ये जो क्वारंटीन वाली शर्त है इसको टर्की गवर्नमेंट लिफ्ट अप कर दे। दूसरी चीज ये है कि अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं, आपके पास अभी वीजा की मियाद है, तो आपको वाया इजिप्ट या फिर वाया ईरान जाना पड़ेगा। आपने इजिप्ट का वीजा लेना है, फिर 14 डेज वहां पर स्टे करना है, घूमना फिरना है, और उसके बाद आप टर्की जा सकते हैं और वहां पर फिर आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 14 डेज आपने उन ममालिक के अलावा किसी मुल्क में गुजारे हैं जो कि टर्की की रेड लिस्ट में इस वक्त मौजूद है। ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों ने अभी वीजा अप्लाई किया है उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वीजा की जो वैलिडिटी है वो पाकिस्तान से 6 मंथ्स की होती है, तो आप आराम से 6 महीने के अंदर अंदर जा सकते हैं। और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के बाद जब अगला महीना शुरू होगा तो ये जो क्वारंटीन की एक शर्त है, कंडीशन है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है और हतमी तौर पर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये जो क्वारंटीन की शर्त है ये कब तक लागू होगी और कब तक जो मुसाफिर हैं उनको इस परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे जिन लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया है या उनका वीजा कम है और वो टर्की जाने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि वो दोबारा से वीजा अप्लाई करें कि हमें 30 डेज का वीजा चाहिए, हम 14 डेज क्वारंटीन भी कर लेंगे और उसके बाद हम 14 डेज वहां पर गुजार भी लेंगे। सो ये अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग किस्म की सोच होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीआरसी अप्लाई करने के लिए वहां पर जा रहे थे, पूरी फैमिलीज के साथ जा रहे थे, लेकिन अब उनका जो जाना है वो यूजलेस है क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। सो जब भी आप टीआरसी लेने के लिए जाएं तो फिर आपको ये चाहिए कि, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंडिविजुअली वहां पर जाना चाहिए। एक बंदा चला जाए टीआरसी ले ले और उसके बाद जो भी वहां पर कंडीशन बनती है, जो भी वहां पर सिचुएशन बनती है,
उसके हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए, फिर आप पूरी फैमिली को वहां पर बुला लें, कोई इशू नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं कि हम वहां पर जाकर टीआरसी अप्लाई करेंगे, और जाहिर है कि इसमें जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी बीच में आते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अता किया है वो यकीनी तौर पर टैकल कर सकते हैं। और जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं पर रहने के लिए, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप स्टडीज भी कर सकते हैं, और सिर्फ आपको एक टीआरसी लेना है जो कि इतना महंगा नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि वो लोग जो टीआरसी लेना चाहते हैं और एजेंट के झांसे से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए वो मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप मुझसे رابطہ कर सकते हैं और मैं इस चीज़ में आपकी मदद कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और क्वारंटीन के हवाले से जो डेवलपमेंट है अब तक, वो यही है कि वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पर आप जा सकते हैं और वो कंडीशंस जिन पर आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैंने आपको बता दी। जिन लोगों ने अभी वीज़ा अप्लाई नहीं किया है वो जुलाई के बाद वीज़ा अप्लाई कर लें, जिनका वीज़ा मौजूद है एक्सपिरेशन अभी उसकी बाकी है वो जुलाई तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद वो इंशाल्लाह टर्की विजिट कर सकते हैं। और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, तो उनके लिए बैड न्यूज़ यही है कि उनको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, इस बारे में जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी उससे यकीनी तौर पर मैं आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकती है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।